الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن फिर अगर लम ना तफ़ालु तुमने किया वालन और हरगज नहीं तफ़ालु तुम कर सकोगे फतकु पस डरो अन्नारा उस आग से अल्लाती वो जो वकूदुहा ईंधन है उसका अन्नासु इंसान वल हिजारतु और पत्थर वो इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफरों के लिए फ़इल्लम तफ़अलू वलं तफ़अलू। ज़रा अंदाज देखिए कैसा चैलेंज का है और ये चैलेंज अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये अंदाज दुनिया की किसी किताब का नहीं है। ये दावा सिर्फ कुरान का है। कैसा दो टोक अंदाज है। फिर अगर तुम ना कर पाओ और तुम हरगिज नहीं कर पाओगे फतकु नार लती वकूदुहन्नास वलहिजारा। जहन्नम के ईंधन के तौर पर पत्थरों का जिक्र ख़ास तौर पर किया गया है। इसके दो अमकानात हैं। एक तो ये कि आपको मालूम है पत्थर के कोयले की आग आम लकड़ी के कोयले के मुकाबले में बड़ी सख्त होती है, लिहाजा जहन्नम की आग बहुत बड़े बड़े पत्थरों से दहकाई जाएगी। दूसरे ये कि मुशकीन ने जो माबूद तराश रखे थे वो पत्थर के होते थे। मुशरिकीन को आगाह किया जा रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे इन माबूदों को भी जहन्नम में झोंका जाएगा ताकि तुम्हारी हसरत के अंदर इजाफा हो कि ये हैं वो माबूदानी बातिल जिनसे हम दुआएं मांगा करते थे, जिनके सामने माथे टेकते थे, जिनको चढ़ावे चढ़ाते थे। वो इद्दत लिल काफिरीन, ये जहन्नम मुमकिन हक के लिए तैयार की गई है। अब यहाँ गोया ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत के बाद ईमान बिल आखरत का जिक्र आ गया।